इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने स्वाधीन कर लिया और गांव समेत गत नगर को पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया और दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20000 प्यादे हर लिए और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़े के सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। और हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढाले थी उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया और हदरेजेर के तिभत और कून नाम नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया और उसी से सुलेमान के पीतल के हौद और खम्भों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता था। और हदोराम सोने, चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया, जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मुआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया गया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशय ने लोन की तराई में 18000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो सारे इसराइल पर राज्य करता था और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अलीहूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्बातार का पुत्र अबीमलेख थे। मंत्री शपशा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिय होकर रहते थे।